आज मैं आप लोगों को मिनी पिज़्ज़ास बनाना सिखा रही हूँ। ये बहुत ही इजी और झटपट रेसिपी है। मेरी पूरी वीडियो देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। वेलकम टू टोस्टी फूड्स। आज की रेसिपी बहुत ही इजी और सबकी फेवरेट है, स्पेशली बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है पिज़्ज़ा। हमने घर की ही सब चीज़ें यूज़ की हैं, आप घर में झटपट बना सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स साइड पे लिख दिए हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। मैंने ये स्टोन फायर के नान यूज़ किए हैं। अगर आप यूएस या कनाडा में रहते हैं तो ये इजीली अवेलेबल हैं। और मैंने ये टोमेटो पेस्ट यूज़ किया है, जो इस कंपनी का आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने क्रीम चीज़ भी यूज़ की है, मेरे पास ये वाला ब्रांड अवेलेबल था तो मैंने ये वाला यूज़ किया, उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टोमेटो पेस्ट लगा दें नान के ऊपर, सॉस को इवनली स्प्रेड करें, उसके बाद चिकन डालें। आप कोई भी चिकन डाल सकते हैं, मैंने रात की जो लेफ्ट ओवर चिकन थी वो यूज़ की है, चिकन टिक्का फ्लेवर है। उसके बाद अपनी फेवरेट वेजीज डालें, जो भी आपको पसंद है। मुझे ज़्यादातर स्पिनिश पसंद है और बेल पेपर पसंद है और ऑलिव्स ही पसंद है, तो मैं सारी वेजीज डाल देती हूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से डालें जो भी आपको पसंद आए। मैंने इसमें मोज़रेला चीज़ यूज़ की है, श्रेडेड चीज़ होती है ये, आप पिज़्ज़ा में कोई सी भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोज़रेला चीज़ से ही सबसे अच्छा टेस्ट आता है। चीज़ डालते हुए ख्याल आया कि अनियंस काटना तो मैं भूल ही गई थी, तो अनियंस कट करके फिर मैंने वो ऐड की ऊपर से। असेंबल करने के बाद आप बेकिंग ट्रे में ऑयल ड्रिजल करके उसमें पिज़्ज़ास रख के अवन में डाल दें। 390 फ़ारेनहाइट पे आपको अवन गरम करना है, उसमें 20 to 25 मिनट्स के लिए उसको बेक करने रख। जब तक वो वाले पिज़्ज़ास बेक हो रहे थे तो मैंने सोचा क्रीम चीज़ के साथ बना के दिखा देती हूँ। ये भी बहुत ईजी है, सबसे पहले क्रीम चीज़ ऐड करनी है और फिर बाकी स्टेप्स सेम है। आप लोगों को जिस तरह का पिज़्ज़ा पसंद है आप उस तरह बनाएं, अपने हिसाब से बनाएं। सिर्फ ओनली चीज़ पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं, ओनली चिकन एंड चीज़ पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। मुझे ज़्यादातर वेजिटेबल के साथ पसंद है, तो इसलिए मैं चिकन और वेजिटेबल वाला बनाती हूँ। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को किस टाइप का पिज़्ज़ा पसंद है और टॉपिंग्स कौन सी पसंद है। असेंबल करने के बाद मैंने इसमें ओरेगानो और रेड चिली फ्लेक्स ऊपर से स्प्रिंकल किए हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ गया था, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। ये देखें हमारे यमी यमी पिज़्ज़ास बिल्कुल रेडी हैं और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं शक्ल से। इसको ज़्यादा बेक ना करें वरना ये ड्राई हो जाएंगे और जल जाएंगे, तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। चलें, मेरे पिज़्ज़ास तो रेडी हो चुके हैं और मैं खाने जा रही हूँ। आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसी लगी। वीडियो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, और आपसे फिर मुलाकात होगी।